नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 25 नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मैंने वीडियो बनाता हूँ, उसका लेवल मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा और वाइस लेवल मैंने देता हूँ रिकमेंडेशन, उसका लेवल भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके और मेरा यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजी जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है और बहुत सारा स्टेप स्ट्रैटेजी है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये मेरा मैं जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे स्किन किया जा सकता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ये जो वैसे लेवल मैंने निफ्टी का बैंक का डायरेक्शन बताऊँगा उसके पहले इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका लेवल भी मैं बैंक निफ्टी का लेवल से इधर से भी पता चलता है। मैंने जो वैसे लेवल कम स्किनर बनाया उसका उसमें तीनों लेवल रहता है, वैसे लेवल 1, 2 और 3। ये आप लोग पहले आप लोग वीडियो जब देखेंगे, जब सब भी वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा वैसे लेवल 1, 2 और 3। और इसमें कुछ इंडिकेटर्स भी लगा हुआ है एक स्ट्रेटेजी बन के। उसके बाद मैंने एक वैसे लेवल 3 में मैंने एक लेवल 3 बनाया, ये आप लोग देख सकते हैं इधर से वैसे लेवल 3 और इधर भी कुछ इंडिकेटर लगाया हुआ हूँ तो वो लगा हुआ है। तो इधर से भी आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है और ओनली बाय सेल लेवल 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है तो उसको ले देखे मैंने एक फाइल अलग से बना के रखा हूँ। तो ये देख सकता है आप लोग बाय सेल लेवल 3। तो इसका मैंने कुछ क्या क्या मैंने आप लोग पहले वाला वीडियो मेरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को, ये आप लोग अगला वाला वीडियोस आप लोग जरूर देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये बाय सेल लेवल 3 में मैंने अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल रखा हूँ और डाउन ट्रेंड का भी बाय सेल लेवल रखा हूँ। अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल रखने का मतलब है अप ट्रेंड और भी आप में जाएगा तो ये कौन सा लेवल सूटेबल होगा, डाउन अप ट्रेंड से जब रिटेस्ट करके नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सूटेबल होगा और डाउन ट्रेंड जब रिटेस्ट करके आप जाएगा तो कौन सा लेवल सूटेबल होगा और डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सूटेबल होगा, तो जो आप लोग को सीएसआर प्रॉफिट दिला सकता है तो उसका आप लोग देख सकता है। इसका परफॉर्मेंस में आप लोग देख सकते हैं, 2-4 दिन का परफॉर्मेंस का वीडियो आप लोग देख ले सकता है। और इधर से देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, रात में भी आप लोग को वैसे लेवल दे देता हूँ। लेकिन इधर से भी देखिए इधर सेल अप ट्रेंड मतलब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिटेस्ट हो रहा है, इस लेवल पर आएगा तो निफ्टी का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी का ज़्यादा है। और ये लेवल से आप लोग काम करने का ये बहुत ही सिंपल लेवल है, आप लोग देख इधर से पता चल जाएगा कि आप लोग को कौन सा लेवल पे है, कौन सा लेवल पे वो आप लोग को दिख जाएगा, उसका हिसाब से आप लोग काम कर सकता है। बोला उसके बाद लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा आप लोग को देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका नियरेस्ट लेवल कौन सा है, जो 31,125 कह लीजिए कौन सा लेवल आप लोग को नज़दीक होता है। ये लेवल नज़दीक नहीं हो रहा है 31,518, ये लेवल नज़दीक 31,139, ये लेवल भी देखिए ये लेवल दूर है 31,212, ये दूर रहता है। तो और 31,833 नज़दीक कौन सा मिल रहा है आप लोग को 31,139, तो ये लेवल को आप लोग को देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत ही इजी है, आप लोग जस्ट लेवल देख के काम कीजिए और देखिए गैप और गैप डाउन होने से भी आप लोग को नेक्स्ट लेवल पर जाइए, आप लोग वीडियो देख लीजिए उसके वजह से आप लोग को गैप और गैप डाउन होने से भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरह से प्रॉफिट डीला जाएगा। अच्छा तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल में आप आता हूँ, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देखिए मैं भी इधर का निफ्टी बैंक सॉरी ये निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है बैंक निफ्टी इधर पहले आया है तो इधर देखता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी इधर से और इधर अब जाने के बाद ये रिटेस्ट हो रहा है 31,463, इसका 31,500 में इसका रजिस्टेंस था वो क्रॉस नहीं पाया, वो रिटेस्ट होकर नीचे आ रहा है अभी 38.2% नीचे नहीं आ रहा है। उसके बाद ये 31,000 देखिए इधर इधर एक सपोर्ट मिल रहा है इसको,
इधर ये जोन में ये इधर से ये जोन में आप लोग देख सकते हैं, एक सपोर्ट रख सकता है 31,100 में या 31,000 में एक सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा ये जोन, तो ये आप लोग प्राइस एक्शन देख के आप लोग देख सकता है, ये 31,500 तक, 550 तक, 570 तक आ सकता है। उसके बाद ये इस लेवल पर 31,162, उसके बाद 31,000, उसके बाद इधर थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल है 29,260, उसके बाद ये लेवल है 28,908, उसके बाद इस लेवल तक आ सकता है। तो अभी इतना जल्दी इतना तक नहीं आएगा, तो अभी ये देखता है ये कहाँ पर लेके ये सपोर्ट ले सकता है। लगता है 30,500 में आसपास या 30,500 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाएगा। और निफ्टी का देखता हूँ, निफ्टी गया, और ये निफ्टी का मैंने दिखाता हूँ। निफ्टी का देखिए, ये देखिए इधर डबल टॉप हुआ था, इधर मैंने अगले दिन का जो वीडियो था मैंने बोला था इधर डबल टॉप बनना है, तो ये डबल टॉप में रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है। इधर देखिए ये 38.8% में, कल 38.8% में सपोर्ट लिया था, उसके बाद 38% ब्रेक करके 61.8% में ये सपोर्ट लिया। तो इधर ये टेस्ट कर रहा है 61.8% लेवल को, ये टेस्ट कर रहा है 61.8%। ये जब सिग्निफिकेंटली ये देखिए इसका उत्साह है, ये जब सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा तो इससे इधर तक ये आ सकता है 31,800 तक, ये आ सकता है 800 तक, इसमें इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो ब्रेक करेगा तो इधर आप लोग को देखना पड़ेगा कैसे प्राइस सेक्शन में मूवमेंट हुआ था, 11,670, उसके बाद 11,550, उसके बाद ये लेवल पे 11,100 के आसपास ये सपोर्ट मिल सकता है। और आप जाएगा तो इसका 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है, ये अप ट्रेंड में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा तो निफ्टी का ऑफिशियल रेशियो 0.97 के आसपास दिखाता है, और इसका आप लोग कैलकुलेट कर सकता है 12,000 में इसका रेजिस्टेंस है, मतलब कॉल साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 में है, और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना है, और इधर 11,800 में इसका इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, मतलब इधर जो सॉरी इधर जो इधर हाँ इधर इधर ये लॉन्ग अनविंडिंग कर रहा है। ये देखिए नेगेटिव चेंज इन प्राइस, इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो इधर इधर ये पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो निफ्टी को नीचे आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये एक से 0.75 तक आ सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर जा सकता है। तो इधर देखिए लॉन्ग अनविंडिंग जो डिक्रीज इन ओपन चेंज इन डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट इन विद डिक्रीज इन प्राइस, ये लॉन्ग इन लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इधर जब आप लोग को देखेंगे तो ये निफ्टी का नीचे जाने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। इधर जो प्रोबेबिलिटी मैंने दिखाया था, प्रोबेबिलिटी देखिए इधर 11,800 और इधर 12,000 में जब पकड़ा हूँ तो इधर प्रोबेबिलिटी अब दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन और जो मेरा जो चार्ट का जो सेटअप है तो वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। और निफ्टी का बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो मतलब 0.0 इधर इधर वो भी 90-97 के आसपास 91 है ये बैंक निफ्टी का। तो इधर इसका सपोर्ट है 11,500 में, इसका रेजिस्टेंस है, और इधर लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कॉल साइड में, और 11,000 में एक सपोर्ट है, उसके बाद इसका स्ट्रांग सपोर्ट है 30,500 में। तो इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर पुट साइड में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इधर ऑप्शन चेन लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। और इधर शॉर्ट हैवी शॉर्ट का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लॉन्ग बिल्डअप हो, लेकिन लगता है पीसीआर से 0.75 आसपास ये थोड़ा सा नीचे आएगा और 30,500 में सपोर्ट ले सकता है। और मेरा जो इधर जो फाइल दिख रहा है
वो भी देखिए मेरा सेल